प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकसित कर्तव्य पथ पर अब लाल बजरी की जगह कंक्रीट के फुटपाथ ने ले ली है। अब यहाँ आइसक्रीम वाले नजर नहीं आएंगे, उनके लिए अलग से वेडिंग प्लान बनाया जाएगा, जहाँ सभी राज्यों के फूड स्टॉल भी होंगे। बनाए गए 5 वेडिंग जोन में हर जोन में 40 वेंडर होंगे। इसी तरह अब पार्किंग भी अलग से विकसित की गई है, जिसमें 1117 कार और 35 बसें खड़ी की जा सकेंगी। जन सुविधाओं के लिए 8 नए ब्लॉक्स बनाए गए हैं। मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ का नाम दे दिया है। कर्तव्य पथ के दोनों ओर क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसमें 19 एकड़ में बनी नहर को नया रूप दिया गया है। इस पर 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि और वाणिज्य भवन के पास सैलानी वोटिंग का भी आनंद ले सकेंगे। 3,90,000 वर्ग मीटर का एरिया ग्रीन रखा गया है और लोगों को सैर करने के लिए 15.5 किलोमीटर का रास्ता तैयार किया गया है। यहाँ 24 घंटे 80 पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। यहाँ स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य ने किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगाई थी, जिसे 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तोड़ दिया गया था। लेकिन पुराने संसद भवन को संग्रहालय बनाने और नया संसद भवन तैयार करने को लेकर मोदी सरकार की खासी आलोचना हुई। इसी संसद भवन ने आजाद भारत की पहली तस्वीर देखी तो 1971 में पाकिस्तान से जीत का ऐलान भी यहीं से हुआ। विपक्षी दलों ने ये कहा कि जब देश कोरोना और मंदी से जूझ रहा है, तब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ का खर्च करना कितना सही है। कई मंत्रालयों की इमारतें गिराए जाने और उन्हें बहुमंजिला बनाए जाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ। वहीं लाल बजरी के इलाके को ग्रेनाइट पत्थरों से ढके जाने और हजारों पेड़ों को काटे जाने के अंदेशे से पर्यावरणविदों ने भी जमकर विरोध किया। उनकी आपत्तियों के लिए महज 48 घंटे का वक्त दिया गया। बिना पूरी सुनवाई के आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। वहीं इस योजना के आर्किटेक्ट विमल पटेल को भी काम दिए जाने को लेकर पक्षपात का आरोप लगा। विमल पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट योजना तैयार की थी। पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने हेरिटेज कमेटी की सिफारिशों को वैध मानकर इस निर्माण कार्य को सही ठहराया था, तब जाकर विवाद थमा और आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये कर्तव्य पथ नए रूप में सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।